सब एनर्जी से कब जा रहे हैं पूछने की क्या जरूरत, हम सब जब कर लेंगे इसके बाद बात करेंगे। अच्छा सब विपक्षी एकजुटता के मुहिम में नीतीश कुमार जब जाएंगे तब बताइबे ना करेंगे, आप लोग चिंता ना करिए। एक्चुअली ये दो शब्द नीतीश कुमार के हैं। आज जब ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि बंगाल आप जा रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात कीजिएगा, विपक्षी एकजुटता के चेहरे पर चर्चा होगी, नीतीश कुमार अपने ही अंदाज में दिख रहे थे। जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो सवाल टाल देते हैं या कहते हैं कि हम तो अपने लिए कुछ करते ही नहीं हैं, हम तो हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। अभी आपको ये बात नहीं बताएंगे, जब सब कुछ तय कर लेंगे फिर आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता के मुहिम पर निकलने वाले हैं, और उसके पहले जो चर्चा है कि नीतीश इस बार बंगाल जाएंगे तो ममता दीदी को मनाएंगे, लेकिन सवाल जब नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो ममता दीदी के नाम पर नीतीश कुमार टाल जाते हैं। नीतीश को लगता है कि शायद ममता दीदी के पास जब ये पहुँचेंगे तो इनकी बातें वो मानेंगी कि नहीं, तो पहले से बयान देकर क्यों बवाल मचाना है। नीतीश यही वजह है कि ममता बनर्जी से मुलाकात के सवाल को टालते दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि वो विपक्षी एकजुटता को पूरे तरीके से धरातल पर उतारना चाहते हैं, देश को बचाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अंग्रेजों के शासनकाल का याद दिलाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इतिहास को बचाने की बात करते हैं मुख्यमंत्री, और सीधे तौर पर सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीर कुंवर सिंह जयंती के मौके पर विपक्षी एकजुटता को लेकर क्या कुछ कहा। ममता बनर्जी से कब जा रहे हैं पूछने की क्या जरूरत है, हम सब जब कर लेंगे इसके बाद बात करेंगे। अच्छा सर, बड़ा नेता बनने की होड़ में इस तरह के बयानबाजी को कैसे लगता है कि ये बड़ा नेता जो लोग बोलते हैं आपके खिलाफ बड़ा नेता सर बिहार में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर? तो सभी दलों को, ज्यादा से ज्यादा दलों को, विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, कितनी बार बोल चुके हैं आप लोग, आज जब भी मिलते हैं कह देते हैं हमारी कोई नहीं इच्छा है ना कुछ अपने लिए व्यक्तिगत, हम तो पूरे देश के हित में सोच रहे हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है कुछ लोग पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में, हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे, और जो इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई हुई नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तब कुछ लोग आजकल हैं जो सब चीज़ को बदल देना चाहते हैं, तो हम इसलिए तो चाहते हैं अलग हुए हैं, और हम लोगों ने कह दिया कि नहीं, अब सब लोग जब एक साथ हो जाएंगे और मिल करके होंगे तो फिर देश सुरक्षित रहेगा, तो इसके लिए हम लोग काम करें। मेरा व्यक्तिगत अपना प्रधानमंत्री तो जो कहना है हम तक कह दिया कि समूचा जो देश का आज तक का इतिहास है आप उसको धीरे धीरे देख रहे हैं, अब अपनी टेक्नोलॉजी पर जो कब्जा है तो आप देख रहे हैं पुरानी चीज़ें अब आ रही हैं, सब चीज़ जो कितना था और कितने बड़े बड़े लोगों ने जो काम किया, तो उनको सबको अपना बुलाना, तो हम लोग इसीलिए एकजुट कर रहे हैं पूरे देश में, हम लगे हैं अभी, लेकिन अपने लिए मुझको नहीं कुछ है। आप जो बहुत बहुत लोगों से बातचीत हो गई है, ठीक है, अभी और कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जब सब हो जाएगा तब आप लोगों को बता देंगे ना, अभी काम कर रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।